अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ एन इंटरेस्टिंग लेसन ऑफ अवर इंग्लिश सब्जेक्ट। सो ओपन पेज नंबर 9। द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज फाइजाज बिस्किट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू वर्ड्स टू नो। इन वर्ड्स टू नो वी हैव टू वर्ड्स, रेस्टोरेंट एंड टिफिन कैरियर। Restaurant, a place where people go and enjoy cooked meals। वो जगह जहाँ पर लोग पका हुआ खाना यानी कि तैयार किया हुआ खाना खा कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, cooked meals, पका हुआ खाना। And the second word is tiffin carrier, a box used for carrying food items। एक ऐसा खाने का डिब्बा जिसमें हम खाने की अशिया रखते हैं, जैसे लंच बॉक्स भी होता है। Students, look at the picture. She is Faiza. She wears pink dress and she holds a tiffin carrier. This is a restaurant. Let's start the reading. Faiza is poor. Faiza गरीब है. She is hungry. वो भूखी है यानी उसे भूख लगी हुई है. Her tiffin carrier is empty. उसका खाने का डिब्बा भी खाली है. A car is stopping and people are getting out. एक कार रुक रही है और लोग बाहर निकल रहे हैं। Look, there's the restaurant. देखो वो रहा रेस्टोरेंट। ऐसे कौन कहती है? इस कार में बैठी हुई लिटिल गर्ल पॉइंट आउट करके कहती है वो रहा रेस्टोरेंट। The little girl looks at Faiza. ये लिटिल गर्ल है और ये फाइजा है। छोटी लड़की फाइजो को देखती है। दे ऑल गो इन टू द रेस्टोरेंट। वो सब कहाँ चले जाते हैं? रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फाइजा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट। फाइजा क्या करती है? रेस्टोरेंट की विंडो से झांक रही होती है और उसको टेबल पर क्या नज़र आता है? आइसक्रीम। और वो उसको देख के क्या कहती है? ओ आइसक्रीम। The people are having fun. They are eating ice cream and biscuits. लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और वो क्या खा रहे हैं? आइस क्रीम और बिस्किट्स। The little girl is cutting a cake. What are the others singing? Little girl, छोटी लड़की जो होती है वो केक काट रही है। बाकी सब क्या गा रहे हैं? They are singing birthday song. हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब क्या कर रहे हैं? क्लैपिंग कर रहे हैं और ये बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं। नेक्स्ट, फाइजा इज़ सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार। फाइजा कार के पास एक दीवार पर बैठी हुई है। द पार्टी इज़ ओवर। पार्टी ख़त्म हो जाती है। एवरी वन इज़ कैरिंग पार्टी बैग्स एंड वियरिंग पार्टी हैट्स। सब ने क्या किया होता है? पार्टी बैग्स पकड़े होते हैं जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है आप सबको, और पार्टी हैट्स पहनी हुई है और ये सब स्माइल्स कर रहे हैं। द लिटिल गर्ल गोज़ टू फाइजा। छोटी लड़की फाइजा के पास जाती है। शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स। वो उसको क्या देती है? एक बैग देती है और एक बॉक्स देती है। फाइजा ओपन्स द बैग। शी ईट्स सम केक। फाइजा क्या करती है? बैग को ओपन करती है और उसमें से कुछ केक खा लेती है। शी डज नॉट ओपन द बॉक्स। लेकिन वो बॉक्स ओपन नहीं करती। वॉट इज इन इट? उसमें क्या है? शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट। वो बॉक्स को अपनी बास्केट में रख लेती है, अपनी टोकरी में रख लेती है। शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड। और वो बास्केट को अपने सर पर रख लेती है। शी गोज डाउन द रोड। और वो सड़क पर चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह फाइजा इज़ आउटसाइड अ स्कूल। फाइजा एक स्कूल के बाहर होती है। वॉट इज़ शी डूइंग? वो क्या कर रही है? हु इज़ बाइंग समथिंग फ्रॉम हर? कौन उससे कुछ खरीद रहा है? 10 years later। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि 10 साल के बाद फाइजा खुद इस काबिल हो जाती है कि उसके पास खुद की एक शॉप होती है। लुक एट दिस बॉक्स। इन बॉक्सेस में भी क्या लिखा हुआ है? फाइजाज बिस्किट। फाइजाज बिस्किट होते हैं। उसके नाम पर वो एक शॉप खोल लेती है और वो बिस्किट सेल करना स्टार्ट कर देती है। हियर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड 10 years later। 10 साल बाद क्या होता है? 10 years later फाइजा हैज़ अ शॉप।
सेलिंग बिस्किट। 10 साल बाद फायजा के पास खुद के पास एक शॉप होती है और वो क्या कर रही होती है, बिस्किट बेच रही होती है। अनदर वन क्वेश्चन, व्हाई डज फायजा सेल हर बिस्किट। फायजा बिस्किट क्यों बेचती है। द आंसर इज बिकॉज इट इज़ हर बिजनेस। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। आप अपनी बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। सेंडिंग इन्विटेशन कार्ड्स, अरेंजिंग गेम्स एंड डेकोरेटिंग द ड्राइंग रूम्स। यू मे राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर ऑन वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल डू एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट क्लास। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू सम होमवर्क एंड योर होमवर्क इज़ दैट दीज 5 वर्ड्स, रेस्टोरेंट, हंग्री, बिस्किट्स, बास्केट एंड स्कूल। You make sentences in your own words. Okay, student. Allah Hafiz.